अभिनय के चलते फिरते स्कूल मनोज बाजपेयी का अभिनय का लोहा सब मानते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महेश भट्ट के टीवी सीरियल स्वाभिमान से की, सुनील के रोल से। फिर इसके बाद दौड़ में परेश रावल के हेंचमैन के रोल में भी वो नजर आए थे, मगर इनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ फिल्म सत्या। इस फिल्म में भीखू मात्रे के कैरेक्टर ने उन्हें रातोंरात फेमस कर दिया था। इस रोल के लिए मनोज बाजपेयी को न सिर्फ फिल्म फेयर बल्कि नेशनल अवार्ड भी मिला था। शूल में इंटेंस सीरियस पुलिसमैन का रोल को भला कौन भुला सकता है। इसके बाद जुबैदा में महाराज का रोल, शूटआउट एट वडाला में डॉन, सूरज पर मंगल भारी में कॉमिक रोल्स, या आरक्षण में श्रूड प्रिंसिपल, या गैंग्स ऑफ वासीपुर में सरदार खान। ही सिंपली अमेजिंग एज एन एक्टर। श्याम बेनेगल की निशान से बॉलीवुड में एक्टिंग का सफर शुरू करने वाले नसीरुद्दीन शाह ने हिंदी सिनेमा में कई सारे यादगार रोल्स निभाकर हम सभी को इम्प्रेस किया। मासूम, इज्जत में, लवलेस शादी में कैद एक शख्स हो, मिर्जा गालिब इन महात्मा गांधी के रोल्स, मोहरा में विलन, तहलका में हैप्पी गो लकी पुलिस ऑफिसर, इकबाल में क्रिकेट कोच ही क्यों ना हो, आप उन्हें कोई भी रोल दे दीजिए, वो हर किरदार को यादगार बनाकर छोड़ देंगे। नसीरुद्दीन शाह NSD ने बॉलीवुड को कई सारे हीरे दिए। इन्हीं हीरो में से एक है इरफान खान। बॉलीवुड के कुछ इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स में से एक है इरफान सर। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से अपना करियर स्टार्ट करने वाले 90s के दशक में उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में मेमोरेबल कैरेक्टर्स निभाया, चाहे वो चाणक्य हो, चंद्रकांता हो, बनेगी अपनी बात, जस्ट मोहब्बत, स्टार बेस्ट सेलर्स में ही क्यों ना हो। बाद में ईयर 2002 में उन्होंने बड़े पर्दे पर वापसी की फिल्म हासिल से। फिर मकबूल में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, लाइफ इन अ मेट्रो में रोमांटिक रोल, बिल्लू में सीरियस एंड कॉमिक रोल, रोग में इंटेंस रोमांस, या संडे में कॉमिक रोल। इवन अंग्रेजी मीडियम में भी उनके एक्टिंग का कोई जवाब नहीं था। इरफान सर ने जो अभिनय की विरासत छोड़ी है उस पर सालों तक एक्टर्स चलेंगे और ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन करेंगे। नाना पाटेकर ने बॉलीवुड में कदम रखा फिल्म गमन से। 80s के डेकेड में उन्होंने बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में खूब बैलेंस किया, मगर उन्हें सही पहचान मिली विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा से। इस फिल्म में आग से डरने वाले डॉन अन्ना के किरदार से वो फेमस हो गए। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड फिल्मफेयर अवार्ड मिला। तिरंगा एंड कांतिवीर में उन्होंने लीड रोल निभाया और वहाँ पर भी झंडे गाड़े। इसके बाद अग्नि साक्षी में संकी पति, खामोशी में गूंगे आदमी, कोहराम में आर्मी ऑफिसर। 2000 के डेकेड में भी नाना पाटेकर ने अपनी एक्टिंग की रेंज दिखाई अब तक 56, अपहरण और वेलकम जैसी फिल्मों में। हिंदी और मराठी के अलावा नाना पाटेकर सर ने तमिल, कन्नड़ा भाषाओं की फिल्मों में भी एक्टिंग किया। सलाम है नाना सर को। नंबर वन स्पॉट पर है कमल हासन। इंडियन सिनेमा के आसमान के वो सूरज जो आज भी चमक रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की तमिल फिल्म कल्लथुर कन्नम्मा में। इनको इस फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के चलते नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर मिला था, बस 6 साल की उम्र में। 80s के डेकेड में साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में भी कमल हासन ने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। पोस्टर पर उनकी मौजूदगी ही काफ़ी थी दर्शकों को सिनेमा हॉल की तरफ खींचने के लिए। कमल हासन ने अपना जलवा हर जॉनर में दिखाया, चाहे वो रोमांटिक रोल्स में हो, एक्शन रोल्स में हो, हीराम जैसी ऑफबीट फिल्म में हो, या ड्रामेटिक या नेगेटिव रोल्स हो अभय में, या कॉमेडी जैसे चाची 420 या मुंबई एक्सप्रेस। 1990 की फिल्म अप्पू राजा में उन्होंने बौने के किरदार से सभी को चौंका दिया था। दशा अवतारम में 10 अलग अलग किरदार निभाकर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि जब तक इस दुनिया में सिनेमा रहेगी तब तक कमल हासन को लोग याद करेंगे। तो ये था मेरा लास्ट एपिसोड वर्सेटाइल मेल एक्टर्स के ऊपर। आई होप यू लाइक दिस सीरीज। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे अपने दोनों ही सोशल मीडिया के लिंक्स
डाले हैं, ये रहे उसके स्क्रीनशॉट्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।